हाय दोस्तों, दिस इज करण वर्मा एंड यू आर वाचिंग मंजिले। सबसे पहले कैन फिल्म की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच कि आपने हमारे मंजिले सेगमेंट को देखा और इतना पसंद किया। इनफैक्ट कई लोगों ने हमें मैसेजेस भी किए कि वो अपने फेवरेट एक्टर को कैन फिल्म में देखना चाहते हैं। उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद है एक ब्रिलियंट एक्टर, यशपाल शर्मा जी। इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है और कई रीजनल सिनेमास में भी काम किया है। आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी करियर पर। अरे आप तो अभी से ही रोने धोने लगे। अरे अभी तो बेटी विदा भी नहीं हुई है। देखिए संभाल के रखिएगा हमारी जान को, हैं? हम जल्दी आएंगे। इन्नी सालों चेप्पा रहा। हमको अरेस्ट करोगे एसपी? 24 घंटा में बाहर आ जाएंगे, रिकॉर्ड है हमारा। अपना काम ही ऐसा है कि कई बार गेहूं के साथ खून पिसा जाता है, और फिर मैं पहला इंसान तो हूं नहीं जिससे ऐसी गलती हुई हो। देख सच तो यह है, तू अपनी गिनती बढ़ाना चाहता है। अरे भागो, नहीं तो यही से मार डालेंगे। जाओ। ये कौन है भाई? पहले कभी दिखाई नहीं दिए, आज ही पैदा हुए हो का? हुसैन नाम है मेरा, पिछले 12 साल से इस शहर पर राज कर रहा हूँ मैं। दिल में मेरे यारों की रिली बाज उठे। ओ यार, प्यार तो मैंने हुआ था एक बार। ओ मैं गर्लफ्रेंड के घर से निकल रहा था, बाहर करवाली ने पकड़ लिया। एक ही दिन में दोनों छंड के चली गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। यशपाल जी, वेलकम टू कैंप फिल्म। नमस्कार जी। आपसे सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, तो अगर मैं जानता हूँ कि आप कई इंटरव्यू में वो बातें आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उन पर थोड़ा सा चर्चा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अगर एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? हाँ, बात तो सही है, बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए अभी ऐसा लगता है कि अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। तो हिसार में जन्म हुआ मेरा, एक फोर्थ क्लास, मेरे पिताजी चपरासी थे, हम 7 भाई बहन थे। तो वहाँ बहुत ही 20 घर थे लाइन में, सारे वो फोर्थ क्लास के कर्मचारी थे, चपरासी, कोई रिक्शा चलाता था, कोई कुछ। तो बड़ा सरकारी टाइप का माहौल था, इस तरीके का एक एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था जहाँ मैं पैदा हुआ, बचपन मेरा जहाँ बीता। तो हमारे घर भी एक गाय थी, बकरियाँ थी, तो हमें जो होमवर्क मिलता था हम बकरियाँ चराते कर लेते थे वहाँ। तो इस तरीके का एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि आज मुझे याद आता है तो लगता है कि यार आई एम सो लकी, या इतना खजाना है, यही खजाना है हमारा जो बचपन से आज तक की जो ज़िंदगी, उस कॉलेज टाइम तक की ज़िंदगी है। क्योंकि यहाँ बॉम्बे में रहकर स्टार लोगों के बच्चे या बड़े बड़े अमीर लोग वो ज़िंदगी कभी देख नहीं पाएंगे, जब वो ज़िंदगी जो हमने एक रिच बचपन हमारा बीता है। तो उन्हीं दिनों में रामलीलाएँ हुआ करती थी, तो रामलीला हमारे घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर रेलवे कॉलोनी में होती थी, हमारा नहर कॉलोनी थी। हमको बड़ा शौक था, हमारे लिए वो स्टार थे जी। हमारे मास्टर फकीर चंद परदेसी हुआ करके, जो रामलीला में डांस वांस करते थे, उनके बच्चे और वो हारमोनियम बजाते थे, ढोलक, पूरा परिवार उनका पारिवार कलाकार था। उन्होंने शुरू करवाया सबसे पहले ये रामलीला का जो, तो धीरे धीरे रामलीला करते करते अचानक लगा कि यार बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी लोग ना आसपास के ही लोग थे हालांकि, लेकिन कीड़ा जो था वो वहीं से चालू हो गया कि कुछ करना है इसमें। तो जन्माष्टमी पर फिर कृष्ण अवतार करने लग गए नाटक, जिसमें मैं वासुदेव करता था, देवकी मेरे भाई बनता था छोटा। 8वीं से शुरू हुई रामलीला से, 8वीं 9वीं से, तो आप समझो 14 साल का था मैं, 15 साल का जी। और 16-17 साल में मैंने ये नाटक शुरू किए धार्मिक वाले पर। एक शख्स आया हिसार में, राजीव मनचंदा, जिनकी अभी पिछले महीने डेथ हुई। राजीव मनचंदा ने
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से था दिल्ली से, उसने हमें प्रोफेशनल थिएटर सिखाया और नाटक करवाए काफ़ी सारे, पूरे वर्ल्ड के जो राइटर थे, मॉलियर फ्रांस के, इटली के, फिर ग्रीक प्ले करवाए, ईडिपस करके एक है जी। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये तो शौकिया करने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। थिएटर तो कम से कम अगर असली सिनेमा है, सिनेमा की तरफ तो उस वक्त बिल्कुल रुझान भी नहीं था, तो थिएटर का था। फिर हमें ये पंकज कपूर, नसरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, ये अच्छे लगने लग गए। ओमपुरी, श्याम बेनेगल की फिल्में, सत्यजीत रे की फिल्में, तमस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे सीरियल पसंद आने लग गए। ये जो है जिंदगी, जिसमें जिसमें एक्टर लोग काम करते हैं जी। मतलब स्टार नहीं, एक्टर लोग जो जो वाकई एक्टिंग देख के जिनका मजा आता है, जैसे आजकल भी हम देख लेते हैं नवाजुद्दीन हो, चाहे इरफान खान हो या संजय मिश्रा हो, तो बड़ा वो कई बार स्टारों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े स्टारों से भी, क्योंकि एक्टिंग अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है। तो वहां से बस मैंने सोच लिया था धीरे धीरे कि थिएटर में ही करूँगा कुछ, एनएसडी करूँगा दिल्ली में। तो एनएसडी में चार बार किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इंडियन थिएटर में हो गया चंडीगढ़ में, फिर एनएसडी में भी हो गया अगले साल। तो इस तरीके से मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तीन साल का ट्रेनिंग लिया एक्टिंग, फिर दो साल मैंने रिपेट्री किया, फिर मैंने बॉम्बे आने की सोची, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एक्टिंग करनी है तो थोड़ा बड़े लेवल पर किया जाए। सिनेमा में उससे पहले आने का मुझे कोई चार नहीं था, ना ही मुझे कोई फिल्मों से लगाव था। तो थोड़ा सा वापस जाऊंगा मैं कि एनएसडी में ये जो आपके घर का माहौल इतना नॉर्मल सा था, बहुत ही सिंपल से लोग थे, तो जब आपने एनएसडी में ट्रेनिंग वगैरह की थी, बात की पढ़ाई आपको इसकी करनी, तो उनका कोई, उन्होंने मना नहीं किया कि ये क्या है? उस वक्त मेरे घर के हालात ऐसे थे कि बहुत बुरा हाल था, मतलब गरीबी की जो चरम सीमा होती है वो थी, मतलब खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, बहुत बुरा हाल था। आज तो मज़ा आता है सोच के, पर उस वक्त तो, लेकिन उस वक्त भी इंजॉय करते थे लाइफ को, भूख लगती थी तो पता नहीं क्यारियों में गोभी के पत्ते खा लिए, कभी मेथी खा ली तोड़ के किसी की, चुरा के पालक, कभी चुरा के अमरूद खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं ऐसे आम। घर वालों ने रोका, ज़बरदस्ती नहीं की मेरे साथ, क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी, जबकि हमारा सब कुछ माँ ही थी, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक वो था हमारे लिए, मतलब उससे ज़्यादा प्यार या उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की आज तक नहीं हो पाई, जितना उसका वो था। उसके बाद मेरे भैया बड़े मेरे, जो उनकी डेथ के बाद उन्होंने पूरा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के नौकरी लग गए, रिक्शा विक्शा चलाते रहे, वो लेमन की बोतलें बांटते रहे सब फतेहबाद में, और इस तरीके से काफ़ी उन्होंने काम शुरू कर दिया, फिर डेली वेजेस पर लग गए, तो उन्होंने पूरा घर संभाला। पिताजी की तरफ से थोड़ा सहयोग कम हो पाता था उन हालात में, हालांकि मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं भी घर को संभालूं जी। मैंने संभाला भी कुछ साल, चांदी का काम किया वहाँ, मैंने बहुत साइकिल के पंचर लगाए, आटे की चक्की चलाई, होली का रंग बेचना या पटाखे बेचना, इस तरीके से काफ़ी सारे छुटपुट काम करते रहे। आज ये काम सोच के थोड़ा चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नहीं, वो अभी मुझे याद आता है, दुखी नहीं थे उस वक्त। अच्छा, यही तो लाइफ है। आज अगर हम इस पर फिल्म बनाते हैं तो हम उसको दुखी दिखाएंगे उस, लेकिन बिल्कुल दुखी नहीं थे, वी वर इंजॉइंग हर चीज़, वो बड़ी जोश था, खरोश था, खेलते थे, कल बंटे खेलने के लिए टाइम निकल जाता था, स्टापू खेलने के लिए, पिट्ठू गर्मा गर्म, और ये पता नहीं क्या क्या काट कट नंबर, लोहा लंबर, इतने गेम थे उस वक्त, इतने गेम थे, पतंगे लूटते थे, इतना टाइम था ये सब करने के बावजूद। तो ऐसा नहीं कि हम दुखी थे, वो तो अब लगता है कि हाँ यार, अल्टीमेटली बर्ड्स आई व्यू से देखो तो दुखी थे कि अनजाने में बहुत कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन वो जो लाइफ थी, वैसी लाइफ बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत आजकल हमारे बच्चों को नहीं दे पाते हम, क्योंकि कोई जगह ही नहीं यहाँ खेलने की, यहाँ सिर्फ फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या फिर वीडियो गेम खेल सकते हैं, या फिर मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं, PS4 खेल सकते हैं, वही चल रहा है उनका, और कोई गेम ही नहीं है खेलने के लिए जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है तुम्हारे सवाल का आंसर, कि उस वक्त ज़रूरत थी मेरी घर को, लेकिन मैंने नहीं सुना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, 7 से 1, 2 या 9 से 5 की बंधी हुई नौकरी, डेली सुबह उठो जाओ फिर आ जाओ, फिर उठो फिर जाओ, फिर आ जाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ, पता नहीं बोरिंग सी लाइफ महसूस होती थी, कि कुछ जब तक कुछ उतार चढ़ाव ना हो ना लाइफ में। अभी भी मैं कोई रूटीन में जी नहीं पाता हूँ,
मैं रूटीन तोड़ देता हूँ अपना, चलो ये सिनेमा का टाइम है फिल्म करते हैं, पूरा मन लगा के इस पर शूटिंग पे लगाते हैं, पूरा भी नाटक का टाइम है, दो महीने में कुछ नहीं करूँगा सिर्फ नाटक, तो मैं तोड़ देता हूँ रूटीन ताकि वो रूटीन ना बने। मुझे लगता है उसका फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि उस वक्त भैया को तकलीफ हुई थोड़ी, पर आज वो देखते हैं बोलते हैं कि यू आर राइट। आज उनको देख के हाँ, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे नहीं रोका, उन्होंने हमेशा सहयोग किया। एनएसडी में दाखिला आज के टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या? उस टाइम पे भी इतना ही ज़्यादा क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के लिए वैसा था जब आप? बहुत मुश्किल था एनएसडी में एडमिशन, हमेशा मुश्किल रहा है जी, क्योंकि पूरे एशिया से 20 लोग लेते थे, आजकल तो 27 या 25-27 ले लेते हैं। अभी इस साल जो परसों रिजल्ट आया है उसमें 27 लोग लिए हैं, हमारे टाइम में तो 200 रुपये स्कॉलरशिप थी, अभी तो 7,000 है शायद, ये हर महीने हर स्टूडेंट को मिलते हैं। मेरा चौथी बार में हुआ था जी, 3 बार तो मैंने इंटरव्यू दिए थे, 1 बार 0 सेशन था, नहीं 2 बार इंटरव्यू दिए थे, 1 बार 0 सेशन था जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुए, और 1 बार जिसमें एडमिशन हुआ चौथी बार उसमें। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में जितने लोग हैं और मुंबई में उनको पता है कि एनएसडी का क्राइटेरिया क्या होता है, बट ये इंटरव्यू आई एम श्योर कि पूरे इंडिया में लोग इसको देखेंगे, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप अगर मुझसे बता दें कि, क्योंकि कई एक्टर वो एनएसडी चाहते हैं पर उनको पता नहीं चलता कि क्या क्राइटेरिया होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे पूरे वर्ल्ड में एक डिग्निफाइड इंस्टीट्यूशन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए आपको 10 नाटक किए हुए होने चाहिए और एक बेसिक रिदम का सेंस होता है, क्योंकि डायरेक्शन में भी है एनएसडी, सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, डायरेक्शन में भी है, डिजाइनिंग में भी है। तो आपका स्किल या आपका माइंड देखा जाता है सबसे ज़्यादा जरूरी, शक्ल सूरत नहीं, कि आप कितने कैलिबर हैं क्रिएटिविटी में। तो कई लोगों ने 10 नाटक नहीं भी किए होते तो भी हो जाता है, क्योंकि वो इतने सक्षम होते हैं स्पीच में या उसमें अपने डायलॉग्स में। तो मेरी सबसे सलाह यही है कि अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन फरवरी में निकलते हैं, मेरे मार्च में हर साल अगर लेना है, तो अच्छा साहित्य पढ़ते रहिए, लिटरेचर जैसे प्रेमचंद से ही शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माने हुए या सबसे बड़ा नाम प्रेमचंद का ही है साहित्य में। अच्छा थिएटर कीजिए, अगर आपके आसपास थिएटर है, कॉलेज में, स्कूल में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, बीए पास होना ज़रूरी है। तो ये है नेशनल स्कूल ड्रामा, और अगर आपके अंदर शिद्दत है, जुनून है, तो आपका 100% हो जाएगा। लेकिन मेरी तरह हो सकता है दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, कोई पता नहीं, लेकिन सब लोग मेरे जैसे अनलक्की नहीं होते, तो यों का पहली बार में भी हो जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि ये जो आपने नॉलेज दी है और इस इंटरव्यू से ये नॉलेज मिलेगी हमारे एक्टर्स को। आइए जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि आपने एनएसडी कर लिया, फिर आप थिएटर में बहुत ज़्यादा, एज वी नो कि एनएसडी करने के बाद आप थिएटर में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, फिर फिल्मों की तरफ मुंबई आने के लिए आपका कैसे एक मन बना? नहीं, मैंने सोचा था कि मैं चिल्ड्रन थिएटर करूंगा हरियाणा में बच्चों के साथ जी। हर स्कूल में जाऊंगा, मैं उनको थिएटर की अहमियत समझाऊंगा कि थिएटर कितना ज़रूरी है लाइफ में। तो थिएटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं सोचता था कि मैं पूरे हरियाणा में बच्चों को ये शिक्षा जरूर देना चाहता हूँ कि थिएटर क्या है, क्योंकि उनको गलत फहमी है, भांडगिरी है, ये है वो, उनको बहुत ऐसा है, अभी भी है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं रेपेट्री में था 2 साल, तो अच्छे अच्छे नाटकों में मेन रोल किए मैंने, तो फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ और मुझे अगर एक्टिंग ही करनी है तो थिएटर में ही क्यों, फिल्मों में क्यों नहीं। यशपाल सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, मुंबई में आना और मुंबई में सर्वाइव करना, काम पाना, ये सब ईजी नहीं है, तो आपके लिए क्या मुश्किलें थी? मैं हर किसी को ये सलाह दूंगा कि मेरा बॉम्बे में वो बैठा है, ये सोच के कोई ना आए, अपने दम पे आना हो, अपना खाना पीना रहना अपने दम पे करना हो, अपने दम पे स्ट्रगल कर सकते हो, विश्वास हो अपने टैलेंट के ऊपर और अपने इकोनॉमिकल कंडीशन पे विश्वास हो, बिलीव हो, तभी आओ। किसी के भरोसे कभी मत आना। जो किसी के भरोसे आता है कि भैया हमारे तो वो बैठे हैं ना, बहुत बड़े इंसान हो, तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, इट्स यू एंड ओनली यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो इसीलिए किसी के भरोसे नहीं आना, मैं भी किसी के भरोसे नहीं आया था, मुझे भी उन्हीं लोगों से काम मिला जिनको मैं यहाँ पहली बार मिला था। उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, उन्होंने मेरा अपना तरीका था, अपने स्पीचेस याद करता था मैं नाटकों की और सुनाता था। 6 महीने तो मैंने देखा कि फ़ोटो देने से कुछ हो ही नहीं रहा है, धक्के से ही बोल देते आना भी बुलाएंगे, ठीक है। फिर मैंने
एक तरीका अपनाया। वो बोलते थे अच्छा ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं 5 मिनट दीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, 5 मिनट दीजिए। मैं वहाँ बैठ के स्पीच सुनाता था या खड़े होकर। आइंस्टाइन की स्पीच की थी, रास्ते की, और बड़े ने खेले छोटे खेले, 3 स्पीचेस याद की थी मैंने लंबी लंबी। तो उसमें से 1 या 2 स्पीच में सुना देता था। अच्छा। तो मैंने कहा उसके बाद मैं फ़ोटो के पीछे अपना नंबर, पेजर नंबर था, पेजर नंबर लिख के देता था कि ये मेरा नंबर है, आई वांट यू कॉल मी। उससे फायदा हुआ मुझे, उससे मुझे 2-3 लोगों ने बुलाया और फिर काम मिला। आपसे जानेंगे कि पहला ब्रेक कब था, लेकिन उससे पहले आप किस ईयर में मुंबई आए थे ये जानना चाहते हैं। हाँ, 96 का एंड था, 3 सितंबर को आया था और 4 सितंबर को ये था दही हांडी। अच्छा। अगले दिन तो आते ही मुझे बड़े बड़े अजीब अजीब सी चीजें दिखी थी, ये क्या है ये क्या। अच्छा, उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं होते थे, ये कुछ ही सालों से शुरू हुआ। असिस्टेंट्स लोग ही होते थे जो बस बरगलाते रहते थे कि हाँ हाँ फोटो छोड़ जाओ। लेकिन अभी तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, ये नेट की जी। आई मेल कर दो, ये कर दो, उस पर डाल दो, व्हाट्सअप कर दो, फलाना कर दो। अब तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो जो आपको पहला ब्रेक था मुंबई आने के कितने महीनों बाद या साल बाद मिला? मुझे पहला ब्रेक फिल्म में जो मिला है वो 99 में मिला है। मैं आया था 96 में और तब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था और दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी अपने आप ही। अच्छा। और फिर पता लगा दाढ़ियों में ही रोल मिलते चले गए। तो वो था गोविंद निहलानी की फिल्म थी 1084 की माँ, महाश्वेता देवी का नॉवल है। तो उसमें नंदिता दास, अनुपम खेर, जया बच्चन का कमबैक था, उसमें एक रोल मुझे भी मिला था दो सीन का। फिर समर मिली श्याम बेनेगल की, फिर उसी में मैं CID करता रहता था, CID या ये आहट वगैरह। वो एपिसोड एक लंबा सीरियल मैंने कभी नहीं किया, मुझे मिलते थे, मैं भूखा मर रहा था पर मैंने नहीं किया उस वक्त, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी मिल जाती तो मैं शायद ज़्यादा काम नहीं कर पाता। आशुतोष गोवारीकर ने मुझे मेरे साथ CID किया था, मतलब उनके साथ मैंने किया था, वो टीम में थे, वो लोग CID टीम में एक्ट कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने भी 2 एपिसोड की कहानी की, मधु का रोल था। तो उन्होंने देखा तो मुझसे पूछा कि इतने छोटे छोटे रोल तुम क्यों करते हो, यू आर वेरी गुड एक्टर। मैंने कहा हाउ डू यू नो आई एम गुड एक्टर, आई जस्ट सॉ, दैट्स व्हाई आई डिड इट। तो ये कोई नहीं है छोटा रोल है, अगर आप अच्छा काम कर सकते हो छोटे रोल में भी कर सकते हो, एंड पीपल कैन सी द जो चिंगारी है वो देख सकते हो। सर आपका जो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद मुझे लगता है कि आपका जो फेवरेट कैरेक्टर अब तक का है वो गंगा जल का है, आपके हिसाब से कौन सा है और कौन सा? मेरे हिसाब से मेरा जो फेवरेट परफॉर्मेंस वाइज है अब तक 56 का है, अचार सिद्धी की नाना पाटेकर के साथ था जी। और ऑलमोस्ट पैरेलल रोल था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और अच्छा काम हुआ था स्क्रिप्ट वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। नो डाउट गंगा जल ने मुझे बहुत कुछ दिया, लगान और गंगा जल ने बहुत कुछ दिया है, नो डाउट अबाउट इट। चाहे अवार्ड हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो विदेशों में घूमना हो, चाहे वो फेम हो, तो गंगा जल इतनी आ चुकी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज गंगा जल। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी फिल्म थी ये, केवल जानना चाहूंगा कि ये फिल्म आपको एक मीटिंग के दौरान ही मिल गई जैसा कि आपने बताया, या फिर कुछ और मशक्कत उसकी वजह से करनी पड़ी थी? बस उनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने बोला था ऐसा ऐसा एक रोल है, मैंने पैसे पूछे तो फिर पैसे उन्होंने बताए तो मैं हंसने लगा। तो मैंने सोचा चलो पैसे छोड़ो रोल तो कर लो जी। तो फिर मैंने किया और अच्छा रोल था। और प्रकाश झा ने जो गंगा जल के अंदर जो जिस शिद्दत से अपहरण और गंगा जल मैंने 2 फिल्में की, फिर आरक्षण भी की थी 3, लेकिन जिस शिद्दत के साथ गंगा जल में काम हुआ था मेरे ख्याल वो दोबारा कभी नहीं हो पाया। बाकी उसमें कुछ ऐसा ऑडिशन नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ही नोज कि उस पर NSD उन्होंने शक्ल देखी मेरी और सुना था किसी से, तो बस कास्ट कर दिया था गंगा जल। गंगा जल जब आई थी तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदों पर खरी उतरी थी। अभी जय गंगा जल आई है और लोगों का कहना है कि वो उतना ज़्यादा खरी नहीं उतरा। हाँ, मैं देख नहीं पाया हूँ। आपने मैं देख लिया तो इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा उसमें। इसके बाद राउडी राठौर आपने की, एकदम अलग करेक्टर था जो आप लोग को, आपको विलन में लोग इमेजिन करते थे, देखते थे। और उसके बाद एक पुलिस वाले का, ईमानदार डरा हुआ पुलिस वाला, वो कैरेक्टर प्रिपरेशन? वो तो बिल्कुल मत पूछिए क्योंकि उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी जी रावड़ी राठौड़ में। बल्कि मैं हर रोज रात को गुस्सा करता था डायरेक्टर को भी, प्रोड्यूसर को भी, लड़ता था मैं कि साले ऐसा घटिया इंसान का रोल दिया है, साला बिल्कुल नपुंसक टाइप का रोल है ये, इसके साला अपने वाइफ को नहीं बचा पा रहा है ये, कैसा डरपोक इंस्पेक्टर है ये।
डायरेक्टर को बोलते थे? हाँ बिल्कुल, प्रभुदेवा को मैं बोलता था, मैंने कैसा रोल लिया, कैसा इंसान है ये, इसके बच्चों को मतलब ऊपर वाइफ को ये देखने नहीं दे रहा है, देखता भी नहीं है, उनसे भीख मांग रहा है, विलेन से साला, इससे तो मर जाना बेहतर है। लेकिन बाद में फिल्म देख के समझ आया कि प्रभु देवा वाज वेरी राइट बिकॉज ही वाज सेइंग जस्ट सी द फिल्म एंड सी द इम्पैक्ट, दिस इज नॉट यशपाल शर्मा, इट्स ए कैरेक्टर। और तब मुझे देखा तो मैंने समझ में आया कि वो इतना मजबूर है, बच्चों के लिए उसको जीना है, क्योंकि बच्चों के लिए उसको कुछ भी करने को तैयार है, हम इन्होंने क्या कसूर किया है बच्चों ने, तो वो भाव है वो उसके लिए, और वो हीरो के लिए एक कमज़ोर पॉइंट हीरो को मिलता है, तभी तो हीरो ऊपर आता है। तो वो करेक्टर जो है वो एक कमज़ोर पॉइंट था फिल्म का, कमज़ोरी का, जो डरते हैं इस विलेन से, इसीलिए हीरो उसको जाकर के विलेन को जाकर के मारते हैं, वहाँ जाकर के उनको मेरी वाइफ को छुड़ाते हैं, ये बोल सकते। सर आपकी जो फिल्म थी राउडी राठौर, तो उसके बाद आपकी हिंदी फिल्म कोई नहीं आई है, पंजाबी में आपने काफ़ी किया है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? राउडी राठौर के बाद मैं एक साल जी तो नीली छतरी वाले में बिजी रहा, एक सीरियल था जो मेरी मनपसंद का था और जो पब्लिक ने बहुत पसंद किया, और वो मेरा एक पाथ ब्रेकिंग रोल था, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा रोल भी कर सकता हूँ, बहुत ही फेमस हुआ। तो एक साल तकरीबन मैं उसमें बिजी था, मैंने 57 एपिसोड किए, लेकिन उसकी प्री प्रोडक्शन में, उसकी तैयारी में, फिर उसके बाद, तो उसके बाद फिर मैंने 3 महीने ब्रेक लिया, 3 महीने में अपने परिवार से मिला। जब मैं परिवार के साथ रह रहा था हरियाणा में, तो मुझे पंजाब में भी, तो मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि आप सबके लिए कुछ कर रहे हो, हिंदी फिल्में भी कर रहे हो, तेलुगू भी कर रहे हो, डोगरी भी कर रहे हो, गुजराती भी कर रहे हो, आसामी भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, आप हरियाणवी और पंजाबी क्यों नहीं कर रहे हो ज़्यादा? उसके बाद मैंने पहली पंजाबी फिल्म की जट जेम्स बॉन्ड, जो कि सुपर डुपर हिट रही, बहुत अच्छी फिल्म बनी। उसके बाद मैंने दूसरी फिर मुख्तियार चड्डा, फिर तीसरी सरदार जीतू अभी आई थी जी। ये की, लेकिन इस बीच हरियाणवी फिल्म भी की एक पगड़ी, मेरे दोस्त की राजीव भाटिया की डायरेक्शन में है, और वो पगड़ी जो फिल्म है उसने एक ड्रास्टिक चेंज किया है हरियाणवी इंडस्ट्री को, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हरियाणवी इंडस्ट्री में, लेकिन कोई पाथ ब्रेकिंग फिल्म नहीं थी, और अब लेकिन सुरगाहट शुरू हो गई है, अभी बहुत सही टाइम है हरियाणवी सिनेमा में, इसीलिए मैंने अपने हरियाणा के लिए एक और फिल्म की सतरंगी, जो अभी अगस्त में रिलीज है, उसमें मेरा लीड रोल है, वो भी मेरा दोस्त है, क्लासमेट है डायरेक्टर, और उसके बाद और फिल्में कुछ करने जा रहा हूँ हरियाणवी। इसमें फिर इतना बिजी हो गया कि मैं हिंदी फिल्मों में कुछ रोल मिले मुझे दबंग 2 भी मिली थी, मुझे दंगल भी मिली थी मुझे, लेकिन ना उसमें रोल कुछ मतलब सशक्त रोल नहीं थे, किसी स्टार के पीछे बफूंदरी करूँगा नहीं मैं, ये तो मेरा मानना, ये मैं नहीं कर सकता, रोल नहीं मिलेंगे चलेगा, क्योंकि मुझे रीजनल फिल्मों में इतने अच्छे रोल और इतने अच्छी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, मैं कमर्शियल भी कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी फेस्टिवल फिल्में भी कर रहा हूँ, सो सेटिस्फेक्शन वाला काम भी है, पैसे वाला काम भी है, दोनों चीज़ें हैं। अभी मैंने आज ही जाके साइन करूँगा, मतलब बात हो गई है, कबीर खान की नई फिल्म साइन की है ट्यूबलाइट सलमान खान के साथ, क्योंकि उसमें अच्छा रोल है मेरा, दिखेगा भी, इम्पोर्टेंट भी है, सीन भी है सारे सलमान के साथ, तो इस तरीके से मैं फिल्म कर सकता हूँ। मैं या तो छोटी फिल्म करूँगा लो बजट की, जिसमें अच्छा रोल होगा, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, या फिर बड़ी फिल्म करूँगा जिसमें अच्छा रोल हो कम से कम जरूर हो, तो मेरा ये है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहा हूँ, लेकिन अभी रीजनल फिल्मों में अभी इतना मैं मशगूल हो चुका हूँ कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म हिंदी में नहीं मिलेगी मैं शायद नहीं करूँगा, तो यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं हिंदी सिनेमा में थोड़ा दूर रहा, या उस तरीके की फिल्म नहीं कर पाया बड़ी बड़ी, इसीलिए। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप जितना फिल्मों को पसंद करते हैं उतना ही शायद आप थिएटर को भी पसंद करते हैं, आपका एक प्ले था तुगलक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत बड़ा बजट का एक प्ले था, और अभी भी आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो किन थिएटर से जुड़े हैं और किस तरीके का आप काम करते हैं? तुगलक वाकई मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोल कहा जा सकता है, तुगलक का ही रोल किया था मैंने, और बहुत विशाल फिरोज शाह कोटला का जो किला दिल्ली में, उस किले में ही सेट बना था, किले को भी और कुछ बनाया था मिला जुला करके, स्टेज थी, तकरीबन 150 माइक थे, 3.5-4 करोड़ के आसपास बजट था, और 70 के आसपास कास्ट थी, एंड आई वाज लीडिंग
और 8 शो किए थे पूरे हाउसफुल, जिसमें पार्लियामेंट के लोग भी आए थे देखने, शीला दीक्षित उस वक्त मुख्यमंत्री थी, वो भी आई थी। तो ये तो प्रोडक्शन एक रहा है यादगार। भानु भारती जी ने मुझे बुलाया, पहले एक बार अंधायू किया था तब बुलाया था कि अश्वत्थामा करोल करना है, तो मैंने बोला अश्वत्थामा करोल मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो इतना खतरनाक, इतना बड़ा रोल है ना अंधायू में वो, कि वो भयंकर है। वाकई में नसीरुद्दीन शाह ने किया है और भी कई लोगों ने किया है, राजब्बर ने किया है, तो मैंने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर अगले साल उन्होंने तुगलक किया, तो तुगलक में मुझे दोनों बार मैं एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट से निकल रहा था, मैसेज मिला, तो मैंने बोला तुगलक कर लूँ मैं, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बोला तू उसकी चिंता छोड़ दे, पिछली बार तुझे छोड़ दिया मैंने, इस बार नहीं छोड़ूंगा, तो बस तो हाँ बोल, मुझे करना है तू कर सकता है, मुझे मालूम है। तो मैंने बोला अच्छा, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आई, मैं बोला अच्छा एक काम करो, आजा रुक जाओ कल बताता हूँ। बोले ठीक है कल बता जल्दी। मैं घर गया, घर मैंने सारी अपनी लाइब्रेरी छान मारी पूरी किताबों की, ये वो तुगलक नाटक ढूंढा मैंने, फिर वो पढ़ा मैंने रात को, और फिर मेरे अंदर एक नई वो आया कि यस आई कैन डू एंड आई विल डू, और फिर मैंने अगले दिन बोला यस करते हैं। बस फिर तब से तुगलक की तैयारियाँ शुरू हो गई। एक महीना दिल्ली में रहे थे, रिहर्सल की थी, कुछ दिन यहाँ की थी रिहर्सल, फिर एक महीना दिल्ली में की थी, और लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं 3 महीने उस वक्त कुछ नहीं किया था, शोज किए ऐसा भी, और ऐसा थिएटर यहाँ भी कर रहा हूँ, तकरीबन 11 नाटक चल रहे हैं मेरे यहाँ। एक गोगोल का लिखा हुआ एक नाटक है इंस्पेक्टर जनरल, बहुत फेमस नाटक है, तो उसको हरियाणवी में इसने अडेप्ट किया है गुड़गांव में, गुड़गांव की स्थिति पर, तो उसमें मैं कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कास्ट है, NSD के लोग हैं काफ़ी, और इसका अभी ZTV पे भी आएगा ये, उसके लिए भी शूट होगा, और फिर पूरी दुनिया में हम शोज करेंगे इसके, हरियाणा में भी करेंगे और पंजाब में, पूरे इंडिया में भी करेंगे और अब्रोड भी करेंगे। तो ये एक नया नाटक जो अभी कर रहा हूँ। क्या बात है सर, आपकी बातों से झलकता है कि अब थिएटर के लिए जो प्यार है और फिल्मों के लिए प्यार है वो बखूबी आपकी बातों में बहुत अच्छी तरीके से झलकता है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बस एक बात जाते जाते दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि सलमान खान की बॉडी देख के या माधुरी दीक्षित का डांस देख करके लड़कियाँ वो ना हो कि मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हम स्टार नहीं बन सकते या एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर तो मतलब 90% यहाँ से होता है, बाकी सब तो चीज़ें क्या हैं वो होती हैं क्या हेल्पिंग या प्लस पॉइंट होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ये और ये उसमें बैलेंस में है तो बाकी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। इसीलिए अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छा थिएटर देखना मत छोड़िए, अच्छी फिल्में देखना मत छोड़िए, और बाकी आप खुद समझदार। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ एक ब्रिलियंट एक्टर यशपाल शर्मा जी। अगर आप भी अपने फेवरेट एक्टर को कैंप फिल्म में देखना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके पसंदीदा एक्टर को कैंप फिल्म में लेकर आए। तब तक के लिए लाइफ में पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और देखते रहिए कैंप फिल्म। थैंक यू।